हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी में मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ, अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मेरा नाम ईशानी है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लग रहा था, तो दिखने में भी अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था। धीरे धीरे मुझे वो बहुत पसंद आने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। फिर एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको अपना प्यार कन्फेस कर दूंगा, तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि उसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर दूंगी। तो मैंने उसे प्रपोज किया, आई लव यू बोला उसे। उसका नाम राहुल था, वो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि मैं अभी इस प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसको रिजेक्ट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई, अपसेट हो गई, डिप्रेशन में चली गई। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ना किसी से बात करना, किसी से मिलना। मैंने खाना पीना भी आता छोड़ दिया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। उसकी बातें ही मैं दीवार पर चलती रहती थी। मैं जब भी उसे देखती थी, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी, तो मैं उसके साथ रहना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ये सब बातें सोच के बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। हर वक्त सब लोग मुझसे पूछते थे कि क्या हो गया है। तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, मैं अंदर ही अंदर वो बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करती थी, रुलाती थी। इसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। तो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू उससे दोस्ती की, लेकिन ना तो वो मेरी तरफ देखता था, ना उससे बात करता था। उसने उससे दोस्ती भले कर दी थी, लेकिन वो ना वो मेरी तरफ देखता था, ना उससे बातें करता था। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करती थी कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं इतनी अच्छी हूँ, लेकिन वो क्यों मुझसे प्यार नहीं करता, क्यों मेरी तरफ नहीं देता, क्यों मुझसे बातें नहीं करती। तो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी। उसके बाद मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो उसके साथ रहना चाहती थी। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी। तब मैंने बहुत सारे टैरोट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कराई, पर मुझे कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब में मुझे एक वीडियो मिला शिवांगी अग्रवाल का, जिसमें बताया था कि कैसे अपने खोए हुए प्यार को वापस मिलाया जा सकता है, वापस पाया जा सकता है। तो मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी बिना स्किप किए। उनकी एक वीडियो की प्लेलिस्ट है जिसमें सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट है, जिसे लोग बता रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, उनका रिलेशनशिप कैसे कितना बिगड़ा था, वो ठीक हो गया है थर्ड आई रीडिंग की वजह से। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी, समझी कि जब इतने सारे लोगों को सक्सेस स्टोरी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकते हैं प्यार, उनको उनका प्यार वापस मिल सकता है, तो मुझे भी मेरा प्यार वापस मिल सकता है। तब मैंने दीदी को मैसेज किया इंस्टाग्राम में उनकी आईडी पे कि दीदी मेरी ये प्रॉब्लम है, जो लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो उससे प्यार नहीं करता है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। प्लीज़ कुछ तो बताओ क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब दीदी ने मुझे नॉर्मल रीडिंग सजेस्ट की, नॉर्मल रीडिंग की दीदी ने मेरी, लेकिन नॉर्मल रीडिंग से उनको कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। तब उन्होंने मुझे थर्ड आई रीडिंग सजेस्ट की। थर्ड आई रीडिंग करने के बाद दीदी ने मुझे दो टेक्निक सजेस्ट की, तो दो टेक्निक मैंने की, और उन्होंने कहा था कि वो एक सीक्रेट टेक्निक भी मेरे लिए करेंगी। तो मैंने वो सारी टेक्निक फेक के साथ की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जिससे सब लोग मेरे आकर्षित हों, सब लोग खुद से मुझसे बात करें, मेरी तरफ आकर्षित हों, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाऊँ, हर कोई मुझसे प्यार करे, हर कोई मेरा दीवाना हो, मैं जिस पार्टी में जाऊँ उस पार्टी की जान बन जाऊँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाऊँ, मैं ये चाहती थी। तब मैंने दीदी को बोला, दीदी कुछ तो ऐसा बताओ जिसकी वजह से सब लोग मेरे आकर्षित हों, सब लोग मुझसे बात करें, मैं अट्रैक्ट हूँ। तब दीदी ने मुझे मनमोहिनी बूटी के बारे में बताया। मनमोहिनी बूटी एक ऐसी बूटी है जो एक इंसान है उसके अंदर आकर्षण पैदा कर देती है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता हो जाता है वो इंसान, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ सब आकर्षित हो जाते हैं, उससे बात करते हैं। तब मैंने वो चीज़ समझी, और फिर मैंने वो बूटी उनसे मंगाई और मैंने यूज़ की। फिर मैंने टेक्निक भी की जो दीदी ने मुझे बताई थी, बस वो जड़ी, वो जो मनमोहिनी बूटी थी वो भी मैंने यूज़ की। और टेक्निक के 25 दिन ही हुए थे कि ये मुझे, तब मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, फ्रेंड का कॉल आता है कि वो जो लड़का है, जो मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है, वो उससे बात करना चाहता है, यानी कि राहुल मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है। तब मैंने उसे हाँ बोल दिया, ठीक है मिलते हैं। तब मैं फिर उससे मिलने गई, हम दोनों मिले। उसने मुझे बताया राहुल ने कि मुझे लगता है कि मुझे भी तेरे से प्यार हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ 25-20 दिन से तेरे ख्याल आते जाते, फिर तेरा ही ख्याल रहता है, मुझे तेरे बारे में ही सोचते रहते हूँ, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई।
और उसने कहा कि मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो उसको शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी बातें सुनी थी, फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि फाइनली उसने मुझे वो सारी चीज़ें बोली जो मैं सुनना चाहती थी। उसके बाद उसने मुझे प्रपोज भी किया, से आई लव यू भी बोला, उसके बाद उसने मुझे गिफ्ट भी दिए थे, उसके बाद हम दोनों ने हग भी किया। बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस वक्त, बहुत ही हैप्पीनेस से भरा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो वो आपको मना करे तो कैसा लगता है। और वही इंसान मुझे बोल रहे थे कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, उससे शादी भी करना चाहता है। इसके बाद हम दोनों अब रिलेशनशिप में हैं और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझसे शादी भी करेगा। उसने अपने पेरेंट्स से भी मुझे मिलाया और ये कहकर किया कि वो हुए और मैं फ्यूचर में इससे शादी शादी कर लूँगा। और ये सब सारी चीज़ें सिर्फ शिवांगी दीदी की वजह से ही हुई है पॉसिबल। तो मैं उनको दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी बातें सुनी। आपके भी अगर कोई भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप शिवांगी दीदी को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई लव यू शिवांगी दीदी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच, आई लव यू शिवांगी दीदी।